वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मीडियन जो कि आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है स्टैटिस्टिक्स से सो इकोनॉमिक्स में गाइस आपके स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड तीनों आ रहा है सो आज हम मीडियन स्टार्ट करते हैं जो कि एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है मीडियन को गाइज हम लोग पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं यानी कि अभी तक हमने एथमेटिक मीन एवरेज निकालना सीखा अब हम मीडियन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यू यानी कि हमारी कोई भी सीरीज हो सकती है आपको पता है हमारे पास तीन सीरीज की होती है तीन सीरीज होती है हम लोगों के पास एक होती है इंडिविजुअल दूसरी होती है डिस्क्रीट एंड द थर्ड इज कंटिन्यूस सीरीज तीन टाइप के सीरीज होती है और तीनों ही टाइप के सीरीज में गाइस मीडियन निकाला जाता है थोड़ा सा तरीका अलग होता है अब हम लोग आज जो कवर करेंगे वो करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से मीडियन कैसे निकाला जाता है तो सबसे पहले गाइज मीडियन का मतलब मैंने जैसे आपको बताया मीडियन बोले तो मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज ठीक है इसीलिए इसे पोजिशनल एवरेज कहते हैं सबसे बड़ा जो मेन रूल है मीडियन आप चाहे इंडिविजुअल में करो डिस्क्रीट में करो कंटिन्यूस में करो मेन जो एक रूल होता है गाइस जो अगर आप भूल गए तो आपका मीडियन गलत निकलेगा वो होता है कि आपको अपनी सीरीज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मीडियन का सबसे पहला रूल क्या है असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में अपनी सीरीज को लिखना अब जैसे कि यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं गाइस ठीक है अब ये स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स दे रखे तो मुझे सबसे पहले जैसे टेन सेवेंटी फिफ्टी है ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है क्योंकि इसके साथ फ्रिक्वेंसी नहीं है राइट right? सो so, जिसके साथ फ्रिक्वेंसी नहीं होती उसे है उसे इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं अब ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है अब सबसे पहला काम मुझे अगर मीडियन निकालना है तो मुझे इस सीरीज़ को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग करते हैं लाइक इसको एक्स मानते हैं सबसे स्मॉल नंबर गाइज टेन है तो हम लोग असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं छोटे से बड़े पर जाएंगे टेन के बाद अगर कोई नंबर है तो गाइस बड़ा ट्वेंटी है फिर उसके बाद यहाँ थर्टी नज़र आ रहा है देन हमारे पास फोर्टीज़ में दो नंबर है फोर्टी टू एंड फोर्टी एट एंड फिफ्टीज़ में एक तो फिफ्टी नज़र आ रहा है इसके बाद फिफ्टी फाइव भी नज़र आ रहा है और अगर सिक्सटीज़ में देखें गाइस तो सिर्फ सिक्सटी है तो हम क्या कर रहे हैं अपनी सीरीज़ को अरेंज कर रहे हैं सेवेंटीज़ में देखें तो कोई नंबर नहीं है एटीज़ में अगर देखें तो गाइज़ एट्टी है और नाइन्टीज़ में नाइन्टी फाइव है टोटल नंबर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक नंबर हमसे कहीं मिस हुआ है और वो कौन सा हुआ है गाइस सेवेंटी सेवेंटी लिखना हम लोग भूल गए सेवेंटी के बाद था एट्टी दैन नाइन्टी फाइव ठीक है इसीलिए मैंने काउंट किया क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लिखते जाते हैं तो नंबर को काउंट जरूर करना है इनको देन कंपेयर करना है इनके साथ कि हमने सारे नंबर्स लिखे हैं या नहीं लिखे अब मीडियम को गाइस डिनोट कैसे करते हैं उसको कैपिटल एम और स्मॉल स्मॉली e. ये मीडियम का साइन होता है जैसे हमने मीन का एक्स के ऊपर बार देखा मीडियम का क्या होता है एम और स्मॉल स्मॉली फार्मूला बड़ा सिंपल सा है गाइज इसका एन प्लस वन में टू ब्रैकेट क्लोज आइटम यानी कि ट्वेल्थ जो भी हमारा टर्म आएगी उसका आइटम निकालना है आइटम बोले तो वो वाला आइटम नहीं गए यानी कि हमारी सीरीज का वो नंबर हमें निकालना होगा एन क्या होगा नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि यहाँ पे अगर हम काउंट करें कितने नंबर से हम लोगों के यहाँ पे थ्री सिक्स नाइन टेन इलेवन तो एन हो गया नंबर कितने हैं इलेवन वन बाई टू आइटम ठीक है तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स आइटम तो सिक्स आइटम मतलब अब हमें अपनी सीरीज में सिक्स नंबर पर जो है वो मिड वैल्यू है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है फिफ्टी तो हमारा मीडियन कितना आ गया फिफ्टी आ गया इस तरीके से इसको निकाला जाता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आइटम से तो so, जो भी हमारा नंबर आएगा यानी कि एन तो यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स वो हमें सीरीज़ में ढूंढना होता है जैसे मेरा सिक्स आइटम आया था तो सिक्स आइटम मैंने सीरीज़ में ढूंढा और आंसर आ गया राइट right? बट चक्कर कहाँ पड़ता है जब इंडिविजुअल सीरीज में ये प्रॉपर ना कट रखा होता लाइक like, यहाँ पे तो हमारा ये क्या था ऑड नंबर था ऑड में वन प्लस हुआ तो ये एक इवेंट नंबर बन गया यानी कि दो से आसानी से कट रहा था वो नंबर बट अगर दो से आसानी से ना कट रहा होता लेट सपोज यहाँ पे 95 नहीं होता तो हमारे यहाँ पे नंबर क्या चेंजेस आते गाइस देखो क्या चेंजेस आते हैं अब अगर हम इन नंबर्स को काउंट करें तो तीन छः नौ दस दस नंबर बन रहे हैं प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एथ आइटम तो ये हो गया इलेवन डिवाइडेड बाय बाई एथ आइटम आंसर विल कम फाइव पॉइंट फाइव आइटम अब भाई साढ़े पाँच नंबर तो कोई है ही नहीं या तो पाँच नंबर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ऐसे केस में गाइस हम क्या करते हैं हम जो भी हमारा फिफ्थ आइटम होता है प्लस जो सिक्स आइटम होता है उनको प्लस करके टू से डिवाइड करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर पे आपके क्या आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव फोर्टी एट और सिक्स नंबर पर क्या आ रहा है फिफ्टी इसको दो से डिवाइड करो तो कितना आएगा ज़ीरो नहीं फोर्टी एट प्लस फिफ्टी कितना हो गया नाइन्टी एट डिवाइड बाई टू ठीक है तो ये हो गया आपका फोर्टी नाइन ठीक है तो यानी कि इस केस में जो आपका मीडियम निकला है वो निकला है फोर्टी नाइन तो इसमें आप फिफ्थ आइटम और सिक्स आइटम पुट करोगे डिवाइडेड बाई टू तो इसमें अब हमें हमने ऑलरेडी यहाँ से आइटम उठा लिया है तो उसको आइटम्स नहीं लिखना साइड में नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एथ आइटम लिखा था और हमने आंसर जब निकाला तो 5.5 पॉइंट में आ रहा है राइट right? अब पॉइंट में कैसे सॉल्व करें तो 5.5 आ रहा है तो फिफ्थ तो टर्म लेना ही है और उससे बड़ा टर्म यानी कि 5.5 पॉइंट फाइव आ रहा है तो फिफ्थ तो आएगा ही और उससे बड़ा टर्म आएगा तो फिफ्थ के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है गाइज आपकी सिक्स टर्म दोनों को लेंगे यानी कि फिफ्थ प्लस सिक्स तो फोर्टी एट प्लस फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू अगर इसको करेंगे 98 डिवाइडेड बाय टू फोर्टी तो हमारा मीन आ गया अब आप अगर आप चेक भी करोगे मीडियन को मीन बोल रही हूँ गलती से तो 48 और 50 के बीच का मिड वैल्यू क्या होता है 49 तो आंसर भी क्या आया है 49 तो आप इसे करेक्टली चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है तो ये था गाइस कि दो अगर हमारे इवेंट नंबर हो सीरीज़ में तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और अगर और है तो तो कोई मुश्किल ही नहीं है वो टू से आसानी से डिवाइड हो जाएगा वन प्लस होने पर तो ये था गाइस मीडियन आई होप आपको समझ आया होगा अगर कोई भी डाउट है अगेन मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ लेना मेरी आईडी है तबिता मैसी और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू